दोस्तों फिल्में तो हम सभी देखते हैं और उन्हें खासा अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन उनके एक्शन थ्रिलर ड्रामा को एंजॉय करते हुए क्या कभी आपने ये सोचा कि इन्हें शूट करने के लिए किस तरह के कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है और किसने बनाया ये कैमरा? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों से मुतालिक बातें करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल बिहाइंड द इन्वेंशन। दोस्तों मूवी कैमरा एक फोटोग्राफिक कैमरा होता है, लेकिन ये स्टिल कैमरा जैसा नहीं होता। इसमें फोटो को एक फिल्म या इमेज सेंसर पर तेजी से एक सीक्वेंस में सजाया जाता है। मूवी कैमरा की शुरुआत तो टीवी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हुई थी। बहुत सारे साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इनकी कुछ शुरुआती अटेम्प्ट से क्रोनो फोटोग्राफिक गन निकलकर सामने आया। इसकी इजाद 1882 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट जूल्स मैरी ने की थी। ये गन एक सेकंड में 12 इमेजेस लेती थी या फिर कहें के शूट करती थी, लेकिन फिर भी इसे मूवी कैमरा नहीं कह सकते थे। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर 1888 में थॉमस एडिसन ने भी मूवी कैमरा बनाने की कोशिश की, मगर उनका बनाया कैमरा मूविंग इमेजेस को रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। थॉमस एडिसन के एक एम्प्लॉय विलियम केन डिक्सन, जो कि एक स्कॉटिश इन्वेंटर थे, उन्होंने 1891 में पहला मोशन पिक्चर कैमरा काइनेटोग्राफ डिजाइन किया, जिसमें इलेक्ट्रिक मोशन का यूज हुआ। बहुत सारे टेस्ट करने के बाद डिक्सन ने 35 mm का फिल्म इस्तेमाल किया और जिसमें 1.33:1 का पिक्चर रेशियो, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था और आज भी सिनेमाज में इस्तेमाल होता है। लेकिन इस इन्वेंशन का क्रेडिट लेने की चाहत में एडिसन ने डिक्सन से इसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इन सब से डिक्सन को पूरी तरह बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर भी डिक्सन का नाम गुम ना हुआ और आज की तारीख में भी मोशन पिक्चर कैमरा का जिक्र होता है तो उसके साथ डिक्सन का नाम भी लिया जाता है। कंट्रोल लेने के बाद 1892 में एडिसन को मूवी कैमरा काइनेटोग्राफ का पेटेंट मिला। एडिसन और उनकी टीम ने कैमरा को और डेवलप किया और 1890 में सेवरल स्टेज डेमोंस्ट्रेशंस भी दिए। ये पहला मूवी कैमरा काइनेटोग्राफ कहलाया। ये पहला कैमरा था जो मोशन पिक्चर्स को फिल्म के मूविंग स्टेप्स पर उतारता था। काइनेटोग्राफ ने मोशन पिक्चर इंडस्ट्री की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, अगर हम ये कहें कि ये पहला मूवी कैमरा था तो ये सही नहीं होगा। भले ही काइनेटोग्राफ ने मोशन पिक्चर की शुरुआत जरूर की, लेकिन ये पहला मूवी कैमरा नहीं था। मूवी कैमरा की शुरुआत कहीं और से हुई थी। एडवर्ड माइब्रिज, जो कि एक इंग्लिश फोटोग्राफर थे, उन्होंने 1878 में एक सेटअप तैयार किया जिसमें स्ट्रिप्स वायर के जरिया 24 कैमरास को लगाया गया ताकि वो एक चलते हुए घोड़े की फोटोज ले सकें। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये बनने वाली सबसे पहली मूवी थी। माइब्रिज ने उन तस्वीरों को एक रोटेटिंग डिस्क पर लगाया, मैजिक लैंटर्न के जरिया उसे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया और इस तरह एक मूविंग पिक्चर सामने आया। 1887 में एक फ्रेंच मैन लुइस ले प्रिंस ने एक 16 लेंस कैमरा डिजाइन किया और कुछ ट्रायल और एरर्स के बाद उन्होंने 1888 में एक सिंगल लेंस कैमरा बनाया। प्रिंस ने मूविंग पिक्चर्स को पेपर फिल्म पर उतारा और उन फिल्म्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सेलुलॉइड के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया। अगस्त और लुइस दो भाइयों ने मिलकर सिनेमेटोग्राफ बनाया जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ फिल्म देख सकते थे। इस कैमरा में 35 मिलीमीटर वाइड पेपर फिल्म का यूज हुआ, लेकिन 1895 में दोनों भाइयों ने पेपर फिल्म्स की बजाय सेलुलॉइड फिल्म्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक इन्वेंशन एरोस्कोप का पेटेंट एक पोलिश इन्वेंटर कजिमिर्स के नाम दर्ज है। ये पहला कामयाब हैंडहेल्ड ऑपरेटेड फिल्म कैमरा था। इसमें कैमरामैन को क्रैंक टर्न करने की जरूरत नहीं होती थी, इसलिए वो दोनों हाथों से कैमरा ऑपरेट कर सकता था और कंट्रोलिंग पर पूरी तरह फोकस भी कर सकता था। तमाम लोगों की कोशिशों की वजह से ही मूवी कैमरा रियलिटी बन पाया। हर गुजरते साल ने वीडियो कैमरा में बहुत सारी तब्दीलियां लाई और एडवांस होता चला गया। आज मूवीज बनाने के लिए डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।